दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन को घर में न होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। घर में यह 5 बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में मुसीबत आने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहां तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दौर आता है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। घर में 5 बड़ी गलतियां कभी मत होने देना, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे खासकर बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की और अपना वास बनाते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटा प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होता और कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर मासिक धर्म के दौरान तुलसी को भूलकर भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए टुकड़े नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। यह छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी है, जाने मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दो तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दीजिए। इसे भी शुभ नहीं माना जाता, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है
और जहाँ होती है नकारात्मकता उस घर में अकाल, मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल वृक्ष का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहाँ से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दीजिए, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखे तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियां क्रोधित होती हैं। दोस्तों, नंबर 6 है, घर में रात को झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और शराब के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहां तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, नंबर 7, वास्तु शास्त्र कहता है, पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराए पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है, जीवन में तान तनाव बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन यानी कि आना बंद हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है और घर में गरीबी तथा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में माह विनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा तथा महालक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। दोस्तों, नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार तथा मंगलवार को और रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए, अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देना चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देना चाहिए जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए,
सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज या धन आदि कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय गाली भी नहीं देना चाहिए तथा गंदी गालियां कभी घर में नहीं देना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, धन का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी को भी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहां स्त्री को बुरा भला कहा जाता है, वहां पर से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना स्थान छोड़ देती है। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, उस घर में सदैव मेरा वास होता है। और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है, उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, नंबर 13, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमें छोड़ के चली जाती है। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 14, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा, वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 15, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है या तेल गिर जाता है, तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है, तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। दोस्तों, नंबर 16, वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत रखती है। हमेशा घर में स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूर्ण लाभ मिलता है। परिवार में कभी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना